नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ इजी में। मैं एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर पंकज वाधवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। और कानून को आसान भाषा में समझने की इस जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में आज हम लोग समझने वाले हैं कुछ कानूनी शब्द। और ये कानूनी शब्द जो हैं, ये लीगल ड्राफ्टिंग में, कानूनी ड्राफ्टिंग में महत्वपूर्ण होते हैं। आइए समझते हैं कुछ शब्द और उसके अर्थ। तो कानूनी शब्दों में इम्पोर्टेंट लीगल वर्ड्स फॉर ड्राफ्टिंग, यानी कानूनी ड्राफ्टिंग में उपयोग में आने वाले महत्वपूर्ण कानूनी शब्द। सबसे पहला शब्द हम लोग ले रहे हैं स्टेटस क्यो। हम लोगों ने सुना होगा कि न्यायालय ने स्टेटस क्यो जारी किया, स्टेटस क्यो आदेश जारी किया। ये स्टेटस क्यो को बोलते हैं एज इट इज। एज इट इज मतलब यथास्थिति। स्टेटस क्यो का मतलब एक प्रकार से स्टे हो जाता है। एक ऐसा ऑर्डर होता है न्यायालय का जिसमें आप उस कुछ ना तो कर सकते हैं, ना ही उसमें चेंज नहीं कर सकते, यानी मामला जो है यथास्थिति हो जाएगा। यथास्थिति का मतलब होता है एज इट इज। तो स्टेटस क्यो आदेश का मतलब होता है एज इट इज। एडहॉक, हम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा एडहॉक नियुक्ति हो गई या एडहॉक अपॉइंटमेंट हुआ है। तो एडहॉक मतलब एक ऐसी चीज जो क्रिएट होती है फॉर पर्टिकुलर वर्क, किसी विशेष कार्य के लिए। यदि कोई चीज, कोई कमिटी बनाई जाती है तो वो एडॉप कमिटी होती है, यानी विशेष एक पर्टिकुलर उद्देश्य को लेकर, निश्चित उद्देश्य को लेकर यदि कोई काम होता है उसको एडॉप बोलते हैं। तदर्थ, हिंदी में इसको तदर्थ कहा जाता है, तदर्थ कमिटी, तदर्थ नियुक्ति। अबेटमेंट, हम लोगों ने एक शब्द सुना होगा अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब होता है दुष्प्रेरण। कई बार कोई व्यक्ति खुद अपराध नहीं करता है, दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है। तो ये जो उकसाना जो होता है, इसको इंग्लिश में लीगल जो टर्म है उसको अबेटमेंट बोलते हैं। जैसे इसको इंग्लिश में इंस्टिगेशन बोलते हैं, तो अबेटमेंट यानी उकसाना। अनदर इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड इज कन्विक्ट। हम सुनते हैं कि कहीं आरोपी कन्विक्ट हो गया या आरोपी कन्विक्ट हो गया। कन्विक्ट यानी दोष सिद्धि, यानी कोर्ट ने पूरा एविडेंस सुना, पूरा ट्रायल हुआ और कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि व्यक्ति ने अपराध किया है, तो वो कन्विक्ट हो जाता है। कन्विक्ट को दोष सिद्ध कहा जाता है, यानी गिल्ट प्रूव्ड, यानी उस व्यक्ति का गिल्ट प्रूव हो गया। गिल्ट मतलब उसके ऊपर दोष सिद्ध हो गया। फाइन, हम एक वर्ड सुनते हैं फाइन। ये फाइन नॉर्मली हम बोलते हैं हाउ आर यू, तो व्यक्ति कहता है फाइन। ये वो वाला फाइन नहीं है, ये फाइन है कानून में अर्थदंड। इसे पेनल्टी भी बोलते हैं, इकोनॉमिक पेनल्टी जो होती है। पेनल्टी यानी दंड होता है, अर्थदंड। इकोनॉमिक पेनल्टी मतलब जो रुपयों में भरपाई होती है उसे फाइन कहा जाता है। स्यू, हम लोगों ने वर्ड सुना है आई विल स्यू यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें न्यायालय में स्यू करूंगा। स्यू का मतलब होता है यहाँ पर टू स्टार्ट लीगल प्रोसीडिंग, मतलब कोई केस लगाना, लीगल एक्शन लेना, टू टेक लीगल एक्शन, या किसी प्रकार से वाद लगाने को ही स्यू कहा जाता है। वर्डिक्ट, द कोर्ट हैज गिवन वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। तो वर्डिक्ट का मतलब होता है फाइनल ऑर्डर, यानी फाइनल डिसीजन। न्यायालय अंतिम नतीजे पर पहुंचता है उसे वर्डिक्ट बोलते हैं। तो न्यायालय का जो अंतिम नतीजा होता है उसी को वर्डिक्ट कहा जाता है। निग्लिजेंस, कई बार हम ये शब्द सुनते हैं, निग्लिजेंस यानी उपेक्षा। इसको लीगल भाषा में उपेक्षा बोलते हैं, या केयरलेसनेस, यानी जो व्यक्ति केयरलेस तरीके से, केयरलेस यानी लापरवाही से कोई कार्य करता है तो उसे उपेक्षित, यानी उपेक्षा द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। लैंडलॉर्ड, जितने भी मकान मालिक वाले जो केस होते हैं, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी में जो केस चलते हैं उसमें लैंडलॉर्ड वर्ड बहुत यूज होता है। लैंडलॉर्ड इस मकान मालिक, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने स्थान को किराए से दिया उसे लैंडलॉर्ड कहेंगे। नल एंड वॉइड, न्यायालय ने विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किया, न्यायालय ने कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड घोषित किया। तो ये नल एंड वॉइड क्या है, तो नल एंड वॉइड का मतलब है कैंसल्ड और इनवैलिड, यानी न्यायालय ने उसको कैंसल कर दिया, नल एंड वॉइड घोषित हो गया, यानी इनवैलिड हो गया। फॉर्जरी, एक और शब्द बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है फॉर्जरी, यानी इसको कूट रचना अथवा जालसाजी कहते हैं। जो व्यक्ति हूबहू दूसरे के सिग्नेचर बनाता है, दूसरे का हस्ताक्षर करता है, या कोई किसी प्रकार का झूठा डॉक्यूमेंट रेडी करता है, गलत डॉक्यूमेंट रेडी करता है, उसे फॉर्जरी कहा जाता है। तो दीज आर दी इम्पोर्टेंट वर्ड्स विच यूज टू ऑफनली यूज इन दी लीगल ड्राफ्टिंग। आई थिंक यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।